नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश गुप्ता। आप देख रहे हैं थिंक टेक्नोलॉजी प्लस चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऑयल फील्ड सबमर्सिबल मोटर की फिटिंग करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यह एक रिपेयरिंग की मोटर थी जिसको हमने पहले वाइंडिंग किया, फिर उसका कनेक्शन किया, फिर उसका पंप को भी रिपेयर किया। और यदि यह सब वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक जो है मिल जाएगा। आप वहाँ पर लिंक पर जाकर क्लिक करके इस मोटर का जो है वाइंडिंग का वीडियो, कनेक्शन का वीडियो, इसका पंप रिपेयर का वीडियो, वो सब देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो ऑयल फील्ड सबमर्सिबल मोटर की फिटिंग करने वाले हैं, जिसके सभी पार्ट्स के मैं नाम आपको दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऑयल फील्ड मोटर है जिसमें वाटरप्रूफ ना तो वायर होता है और इसमें एल्यूमिनियम का रोटर होता है। इसमें ना तो बूस वगैरह कुछ भी नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, इसमें बैरिंग के सहारे जो है मोटर चलती है। इसके सभी पार्ट्स के दोस्तों नाम भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा और उन सभी के पार्ट्स के नाम, इसमें कौन सा जो है ऑयल भरा जाता है और क्या क्या इसमें ध्यान रखना चाहिए फिटिंग के वक्त, जिससे इसके अंदर पानी जो है ना जा सके। क्योंकि यदि इस मोटर के अंदर पानी जो है घुस जाएगा तो वहाँ पर मोटर जो है शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें खुला कुछ इस प्रकार का जो है वायर यूज़ किया जाता है। इसमें विदाउट वाटरप्रूफ, इसमें वाटरप्रूफ वायर जो है नहीं होता है। इसमें जो हम मोटर में या सेलिंग फैन में ये सब वाइंडिंग करते हैं उस प्रकार का जो है वायर आता है। तो वीडियो को लाइक नहीं कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास मोटर की जो है बॉडी है 1 HP की, जिसकी हमने वाइंडिंग और कनेक्शन जो है हमने कर दिया। और आज की इस वीडियो में हम इसके फिटिंग करने वाले। तो सबसे पहले चलिए इसके पार्ट्स में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के पार्ट्स जो हम यूज़ करते हैं, यानी कि इस पार्ट मोटर बॉडी के पार्ट्स हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपको नाम बता देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये स्टर्डिंग आ जाती है, जो कि हाउसिंग को जो है एलन के बोल्ट के सहारे जो है टाइट रखती है। उसके बाद ये बेज का पार्ट्स है जो कि SS का है, और ये अपर हाउसिंग है जिसमें अंदर ऑयल सील की टिक्की जो है बिठाई हुई है, और यह पीछे का हाउसिंग है लोअर हाउसिंग। ये दोस्तों बॉडी का लॉक है जो कि स्टर्डिंग को लॉक करके रखता है, यह एलंकी बोल्ट। और यहाँ पे एल्यूमिनियम का रोटर आ जाता है जिसमें ऑयल सील जो है पहले से बिठाई हुई है, और उसके नीचे यहाँ पे ये बेयरिंग है जिसके सहारे रोटर घूमता है इसमें दोस्तों, और ये बॉडी है। तो चलिए सबसे पहले मोटर को हम उल्टा कर लेते हैं, यानी कि इस साइड जो है हमारा कनेक्शन है, जिस साइड हमने कनेक्शन किया हुआ है उस साइड जो है हमें नहीं रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 वायर जो है निकलते हैं, एक लाल, एक पीला और एक नीला। सब इसको बॉडी को उल्टा कर लेना है, और उल्टा करने के बाद इसमें ये पेपर जो है हमने काट के बनाया है रिंग टाइप, जिससे वाइंडिंग में कोई इफेक्ट ना, स्टर्डिंग ना छू जा सके। इसको कुछ इस प्रकार से लगा देना है जिससे स्टर्डिंग जो है बाइंडिंग को टच ना हो सके, जिससे तार वार छलने की संभावना जो है रहती है। उसके बाद यह पीछे का स्टर्डिंग है, इसको रख के ये बॉडी का जो है लॉक इसको लगा देते हैं। तो यह बॉडी का लॉक जो है थोड़ा टाइट आता है, इसके लिए इसको थोड़ा सा आराम से लगाना है। रिसमिस से या पेचकस से आप लगा के इसको आराम से बिठा सकते हैं। तो यह लॉक जो है लग गया है बॉडी का। अब उसके बाद मोटर को सीधा हम कर लेंगे, और फिर ये जो वाइंडिंग है यदि ऊपर निकली हुई है तो इसको थोड़ा सा अंदर धक्का लगा देते हैं, जिससे यदि संभावना हो कि हमारा स्टर्डिंग जो है या हाउसिंग वाइंडिंग को छू सके तो वाइंडिंग को अंदर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ वाइंडिंग की एक कैप आ जाती है, वाइंडिंग रिंग, या भी उसी के लिए कि स्टर्डिंग जो है वाइंडिंग को टच ना कर सके। और फिर इस स्टर्डिंग को यहाँ पे लगा के फिर से इस बॉडी के लॉक को यहाँ पे बिठाया जाता है। तो इस साइड का भी बॉडी का लॉक जो है हमारा बैठ चुका है, और फिर यह एल्यूमिनियम का रोटर जो है इसको आगे की साइड से हमें डाल देना है। आप हाउसिंग भी पहले बिठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यही सेटिंग। और यह पीछे का जो है हाउसिंग है, लवर हाउसिंग जिसको बोलते हैं, कुछ इस प्रकार से लगा के
इसमें दोस्तों एक लिक्विड आता है जो कि सील करता है, यानी कि जॉइंट कर देता है अंदर से, जिसको हमें हाउसिंग में लगाना होता है, जिससे क्या होता है ना तो अंदर का ऑयल जो है बाहर निकलता है और ना ही बाहर का पानी जो है अंदर घुसता है। कुछ इस प्रकार का एलंकी बोर्ड सबसे पहले लगा के इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग के होल से सेंटर टू सेंटर रख देते हैं और फिर एलंकी बोल्ट लगा के लगा देते हैं। यह देख सकते हैं यह लिक्विड है, बॉन्ड गैस्केट बॉन्ड है, जिसको हमें हाउसिंग पर लगाना होता है। यह क्या करता है कि सील्ड कर देता है, यानी कि बॉडी को, जिससे एक तरफ से आप ना तो अंदर का ऑयल जो है बाहर लीकेज होने की संभावना होती है और ना ही बाहर का पानी जो है इसमें अंदर जा सकता है। तो बॉडी में भी थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं जिससे इसमें का ऑयल जो है लीकेज ना हो और पानी अंदर ना जा सके। यह दोस्तों लिक्विड बहुत ही लगाना होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी भी होता है ऑयल फील्ड मोटर को फिट करने में, क्योंकि और फिर थोड़े से इसको आराम आराम से ढककर लगा के ठोक देते हैं। और फिर पीछे का एलंकी जो है बड़े वाले एलंकी बोल्ट्स निकाल के उससे छोटे वाले एलंकी बोल्ट्स लगा के टाइट कर देते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे तीन जो है एलंकी बोल्ट्स आते हैं, एक यहाँ पे दो और उसके ऊपर यह तीन एलंकी बोल्ट्स जो है यहाँ पे दिख रहे हैं आपको इस पीछे के हाउसिंग में, पीछे के टप में। और फिर यदि आपके पास पाना रिंच नहीं है तो आप इस तरह से भी टाइट कर सकते हैं। तो एलंकी बोल्ट हमने टाइट जो है कर दिया है, उसके बाद चलिए इस बॉडी को उठाते हैं। और यदि रोटर जो है हमारा ना बैठा हो बेरिंग जो है हाउसिंग में, तो थोड़ा थोड़ा मार के उसको बैठा भी सकते हैं। और फिर पीछे यह रबड़ आ जाती है, यह रबड़ भी दोस्तों लीकेज ऑयल की लीकेज में बहुत ही काम आती है, यानी कि बेच की तरफ से यह रबड़ से ऑयल जो है नीचे की तरफ नहीं उतर पाता, यह वाइंडिंग तक ही रहता है ऑयल जो है हमारा होता है। ऑयल भी दोस्तों आगे भर के आपको दिखाएंगे हम। तो इसमें भी लिक्विड लगा के गैस्केट बॉन्ड अच्छे से इसको भी रबड़ में लगा के रबड़ को हाउसिंग में अंदर फिट कर देना है, कुछ इस प्रकार से। ये दोस्तों लिक्विड बॉन्ड जो है हमारा बहुत ही ज़रूरी होता है, यदि हम यह नहीं लगाएंगे तो पानी जो है हमारा घुस जाएगा अंदर, जिससे मोटर जो है शॉर्ट हो जाएगी। और उसके बाद यह बेज आता है कुछ छोटा हल्का, इस बेज को यहाँ पे थ्रेडिंग दी गई है और इस बेज को अच्छे से टाइट कर देना है इस हाउसिंग में। और फिर आप पेचकस लगा के या कैसे भी टाइट कर सकते हैं, फुल दोस्तों टाइट करना है। और फिर बेज लगाने के बाद मोटर को ऊपर उठा लेनी है। और फिर दोस्तों यहाँ आगे का हाउसिंग आ जाता है, जिसमें ऑयल सील की टिक्की जो है अंदर बैठी हुई है, यदि वह टिक्की ख़राब है तो उसको हमें चेंज कर देना। तो वैसे ही इसमें कि ऑयल सील जो है ख़राब हो चुकी है, तो सबसे पहले चलिए ऑयल सील को हम निकाल के इसको चेंज करते हैं। ऑयल सील जो है हमारी निकल चुकी है क्योंकि दूसरी साइज की ऑयल सील थी। और फिर जहाँ पे ऑयल सील दोस्तों बैठी हुई है उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लेना है, तभी दोस्तों नई जो है ऑयल सील बैठेगी, वरना टेढ़ी हो जाएगी इधर उधर से। तो नई ऑयल सील रख के चलिए बिठाते हैं। आप इस ऑयल सील के ऊपर पुरानी ऑयल सील भी रख के बिठा दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल सील हमने बिठा दी है और फिर ऊपर के स्टर्डिंग में स्टड लगा के एक स्टड लगाना होता है, ताकि जो स्टडिंग का होल है वो हाउसिंग के होल के सेंटर में ही रहे, सामने सामने, इसलिए स्टड हमें लगा देना होता है। और जो तीन कनेक्शन के वायर निकलते हैं उन कनेक्शन को केबल के होल से बाहर निकाल लेना है। और यहाँ पर भी दोस्तों अच्छे से लिक्विड गैस्केट लगा के इस हाउसिंग को बिठा देना है। और फिर स्टड को निकाल के यहाँ पर एलंकी बोल्ट्स लगा के फुल टाइट कर देना है उनको भी। कुछ इतना बड़ा जो है लंकी बोल्ट आता है, क्योंकि आगे का हाउसिंग भी बहुत बड़ा है, वह दोस्तों स्टार्टिंग तक पहुंचना चाहिए। 5 mm का लंकी बोल्ट है MS का।
चलिए जल्दी से लगा के टाइट कर देते हैं इनको भी। और फिर इसको भी पकड़ से अच्छे से फुल टाइट जो है कर देना है। तो फुल टाइट कर दिया हमने। अब उसके बाद पीछे बेज में भी आप थोड़ा बहुत लिक्विड बॉन्ड गैस्केट बॉन्ड जो है लगा सकते हैं। तो मोटर जो है फिट हो चुकी है। और उसके बाद यह केबल जो है जिसको लीड भी हम बोलते हैं, इसमें दोस्तों ऑयल फील्ड में अलग प्रकार की केबल जो है लीड आती है। इन तीनों होल में दोस्तों यह पिन जो है हमें बिठानी है। अब देख सकते हैं इन्हीं तीन पिन को, रेड येलो और ब्लू, इन्हीं तीन पिन को दोस्तों अच्छे से हमें पहले चेक कर लेना होता है केबल में। तो सबसे पहले एक डटी आ जाती है, ढट्टी जिसको बोलते हैं। इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड येलो और ब्लू, यानी कि आर वाई ब्लू बी, यानी कि रेड वाला पिन हमें ऊपर डालना है, बी ब्लू वाला नीचे और येलो वाला बगल में। तीनों में दोस्तों अच्छे से चेक करके ही हमें डालनी होती है। तो चलिए सबसे पहले इस ढट्टी को पहना देते हैं यहाँ पर इस तीन पिन में जो कि हमारे कनेक्शन के रूप में बाहर निकले हैं। तो यह डटी भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि डटी नहीं हो तो हमारा जो है कनेक्शन अधूरा रह जाता है। तो इसमें हमें जांच के परख के हमें चेक कर लेना। और केबल में दोस्तों एक मल्टीमीटर लेके या कैसे भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे रेड येलो ब्लू दिखा रहा है सही कि नहीं, कि बाद में आपने लगा दिया और केबल में प्रॉब्लम हो तो आपको फिर से पूरी मोटर जो है खोलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तीनों पिन जो है बाहर निकाल दिए हमने इस डटी से। रेड में रेड का लगाया, येलो में येलो का, ब्लू में ब्लू का वायर हमने जोड़ दिया, यहाँ पे निकाल दिया इन पिन से। और फिर केबल में तीन जो है पिन आती है, यहाँ पे तीन पिन आती है, यह रेड की है, यह ब्लू और यह येलो। तो केबल में भी तीन होल जो है दिए गए हैं इन्हीं पिन को अंदर फिक्स करने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इन्हीं तीन पिन को लगा के हमने चलिए यहाँ पे फिक्स कर लिया। और इस केबल पे भी दोस्तों अच्छे से लिक्विड गैस्केट बॉन्ड जो है लगा देना है, जिससे केबल से भी, यानी केबल तो टाइट ही बैठती है फिर भी हमें अच्छे से सावधानी रख के इसकी फिटिंग जो है करनी होती है, ताकि इसमें कहीं से भी पानी जो है अंदर ना घुस सके। केबल तो दोस्तों टाइट ही बैठेगी, लेकिन वहाँ से भी अच्छे से लिक्विड गैस्केट जो है बॉन्ड लगा के फिर इस प्लास से, प्लास बोलते हैं, कुछ इस प्रकार से रख के इसमें ऊपर से लठिया मार मार के इस केबल को अच्छे से बिठा देना है। तो केबल बैठ गया है। उसके बाद जो है छोटे छोटे स्क्रू आते हैं उस केबल के वाइसर में लगा के उसको भी अच्छे से टाइट कर देना है, जिससे केबल खींचने पर जो है बाहर ना निकले कनेक्शन हमारा बिना उसके खुले यहाँ पर। और इधर से भी थोड़ा बहुत आप बॉन्ड जो है गैस्केट बॉन्ड लिक्विड आप लगा सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यह एक लीटर ऑयल आता है, नया ऑयल ही हमें भरना होता है। यहाँ पे एक लीटर का ऑयल आता है, यह किस कंपनी का वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो समर्सिबल ऑयल फील्ड मोटर होती है उसी में मोटर का ऑयल है। तो अच्छे से चेक कर करके आपको हिला डुला के इस ऑयल को भरना है, क्योंकि यह कभी कभी फंस भी जाता है, जिससे आपको लगता है कि इसमें ऑयल जो है पूरा फुल हो चुका है, लेकिन फुल नहीं हुआ होता है। तो ऑयल जो है हमारा पुराना मोटर से जो निकलता है उसको हमें नहीं भरना, क्योंकि उसमें पानी भी थोड़ा बहुत जो है मिक्स रहता है, इसलिए हमें नया ऑयल ही यूज़ करना है यदि हम किसी मोटर की रिपेयरिंग करते हैं। और फिर सभी जगह चेक भी करना है आपको, कहीं से मोटर से ऑयल जो है लीकेज तो नहीं हो रहा है। यदि लीकेज हो रहा है तो हमें मोटर को खोल के फिर से वहाँ पर गैस्केट बॉन्ड जो है लगाना होगा, नहीं तो मोटर जो है हमारी शॉर्ट हो जाएगी, उस पर पानी घुस जाएगा। और फिर ऑयल बोल्ट जो लगा के ऑयल का यहाँ पे उसको अच्छे से टाइट कर देना। और फिर इसके ऊपर जो है एम सील भी भरनी होती है, ताकि इस बोल्ट से पानी जो है ना जा सके। बहुत ही प्रॉब्लम होती है दोस्तों इसकी फिटिंग में, और वाटर फील्ड में कैसे भी फिट कर दो, उसमें कोई झंझट कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छे से बोल्ट्स के ऊपर एम सील जो है भरनी है। तो कुछ इस प्रकार से एम सील लगा दी। अब चलिए इसका शॉर्ट जो है चेक करते हैं। तो
तो सबसे पहले सीरीज में आप इसका टेस्ट कर सकते हैं, तो सीरीज में बिल्कुल रेडी जो है दिखा रहा है। उसके बाद इसका अर्थिंग टेस्ट करते हैं कि बॉडी में कहीं अर्थिंग तो शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे यह भी रेडी है। उसके बाद अर्थिंग चेक करने के बाद इसमें कैपेसिटर जोड़ के इसको चलिए चला के दिखाते हैं। तो चलाने के लिए 36 mmD का ही कैपेसिटर हम जोड़ रहे हैं, एक रेड में और एक येलो में, दो में वायर में कैपेसिटर जोड़ के, और फिर इसको चालू करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं मोटर जो है हमारी बिल्कुल चालू है, बिल्कुल कंप्लीट। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।